हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके प्रिपरेशन विद कीर्ति। तो आज के वीडियो में क्वेश्चन दिए हुए हैं 4 जुलाई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, जो भी 3 से 4 जुलाई के बीच में जो भी घटनाएं हुई हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पे। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि आपको जो डेली मैं वीडियो पब्लिश करती हूँ उसका न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इन क्वेश्चन को। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में दिल्ली और किस शहर में UIDAI केंद्र खोला गया है? तो सबसे पहले जो UIDAI है ये क्या है, तो ये आधार कार्ड के लिए है। UIDAI का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसमें अभी इन्होंने 2 आधार केंद्र UIDAI आधार केंद्र खोलने की घोषणा हुई थी, तो उसमें 2 ओपन हो चुके हैं ऑलरेडी, एक तो दिल्ली में और दूसरा विजयवाड़ा में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा बी, विजयवाड़ा। तो विजयवाड़ा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। तो UIDAI के टोटल 114 सेंटर खोले जाने हैं, बट उनमें से अभी जो 2 ओपन हुए हैं, एक दिल्ली में ओपन हो गया और दूसरा विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास गरुण 6 शुरू हुआ है? तो जो एयरफोर्स है उसके बीच में उसके सॉरी जो जो हमारी एयरफोर्स है और दूसरे इंडियन एयरफोर्स है और फ्रांस की एयरफोर्स जो साथ में मिलके एक्सरसाइज करती है, तो उसके लिए उसके जो नाम है वो याद रखना ज़रूरी है। अभी जो रिसेंटली होनी है वो होनी है भारत और फ्रांस के बीच में स्टार्ट हुई है, उसका नाम क्या है? गरुण 6। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में IMF के अंतरिम प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसके IMF के अंतरिम प्रमुख को किसे नियुक्त किया गया है? डेविड लिप्टन के लिए। और IMF की स्थापना कब हुई थी? 1945। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? Washington DC। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको एक क्वेश्चन है जो इजीली समझ में आ जाए, वो आंसर भी आपको सही से पता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण का संघ उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? के सिसुवल को। तो यहाँ पर आप एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो इंटरनेशनल सीड टेस्ट एसोसिएशन है, जनरली ये क्वेश्चन में ए इतना लंबा लिख के नहीं आता, वहाँ पे आ जाएगा ISTA। तो ISTA का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल सीड टेस्ट एसोसिएशन। तो इसके जो उपाध्यक्ष हैं अभी रिसेंटली के सिसुवल को चुना गया है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किसने IBSF स्नूकर वर्ल्ड कप फाइनल जीता है? तो अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने जीता हुआ है IBSF स्नूकर वर्ल्ड कप। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा बी, पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान ने किसको हरा के जीता है? इंडिया को हरा के पाकिस्तान ने अभी ये IBSF स्नूकर वर्ल्ड कप जीता है। तो IBSF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिलियर्ड एंड स्नूकर फेडरेशन। तो ये अभी कहाँ पर हुआ था? दोहा में, कतर की जो कैपिटल है दोहा, वहाँ पे IBSF स्नूकर वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था। तो अभी उसमें फाइनल में पाकिस्तान ने जीता है इंडिया को हरा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? विच इंडियन प्लेयर हैज रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? तो अभी रिसेंटली अंबाती रायडू ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ए, अंबाती रायडू। इन्होंने टोटल 55 OD मैच खेले हुए हैं अंबाती रायडू ने, उसके बाद इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस देश के संसद अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है? किस देश के संसद अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है अभी रिसेंटली? तो अल्जीरिया के संसद अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है, क्योंकि उनके अगेंस्ट बहुत सारे लोग नारेबाजी कर रहे थे, रोड पर प्रदर्शन कर रहे थे, इसलिए इन्होंने अभी इस्तीफा दिया है अल्जीरिया के अध्यक्ष ने, संसद अध्यक्ष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है? किस बैंक ने साझेदारी की है? एयरटेल पेमेंट बैंक ने अभी रिसेंटली एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की हुई है। तो यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक की जो स्थापना है वो हुई थी 2016 में, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, और ये सबसे पहला पेमेंट बैंक बना था एयरटेल पेमेंट बैंक। अभी इसने रिसेंटली एयरटेल पेमेंट बैंक ने अभी रिसेंटली भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की हुई है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में वार्षिक शाकंभरी उत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये बारंगल में आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा सी, बारंगल। यहाँ पे शाकंभरी जो देवी, कोई देवी की शाकंभरी देवी की पूजा की जाती है, जिससे यहाँ के लोगों का मानना है कि खुशहाली रहती है जहाँ पर भी लोग रहते हैं, इसलिए शाकंभरी उत्सव मनाया जाना है वारंगल में। और वारंगल कहाँ है? तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिक पिछड़ा वर्ग को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो अभी रिसेंटली किस स्टेट गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो वह पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की भी रिसेंटली जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं ममता बनर्जी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में दुनिया के शीर्ष 150 सर्वश्रेष्ठ युवा विश्वविद्यालयों की सूची में कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है? तो यहाँ पर जो युवा विश्वविद्यालय का मतलब ये है जो अभी रिसेंटली जो न्यू यूनिवर्सिटी ओपन हुई है वर्ल्ड में। तो यहाँ पर वर्ल्ड में जो 150 सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी हैं, युवा यूनिवर्सिटी हैं, तो उनमें कितनी भारत की यूनिवर्सिटी हैं जो शामिल हुई हैं 150 यूनिवर्सिटीज़ में? तो 3 यूनिवर्सिटी हैं इंडिया की जो शामिल हुई हैं वर्ल्ड की टॉप 150 यूनिवर्सिटीज़ में। नेक्स्ट है, हाल ही में MFIN के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो हाल ही में MFIN के अध्यक्ष के रूप में मनोज कुमार नाम्बियार को चुना गया है। वो MFIN का फुल फॉर्म होता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क, और इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। तो गाइस यहाँ मैंने टोटल 12 क्वेश्चन दिए हुए थे 4 जुलाई के, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरा देखा कीजिए ताकि आपको विथ जो लास्ट तक के क्वेश्चन है वो भी पता चले। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।